इस वीडियो में आज हम फिर से आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि सूद के बारे में बताएंगे। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट वुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट अक्वायर्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ₹8,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनुअल इन 3 ईयर। 3 साल में 8,000 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ये निकालने के लिए बोला। और इधर चार ऑप्शन है, इसमें से आप लोग को बोलना होगा कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2009 में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, अमाउंट ए इक्वल टू प्रिंसिपल मूलधन इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर एन। इसका मतलब टाइम, कितना टाइम लगा। तो चलिए इसका हिसाब से हम लोग निकालते हैं अमाउंट कितना हुआ। प्रिंसिपल कितना है 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15 है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर क्या होगा यार कितना है 3। तो चलिए देखते हैं कितना होता है। 8,000 इंटू 100 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 15 को जोड़ देंगे तो होगा 115 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3। तो देखिए ये 5 से कटेगा तो होगा कितना 23, ये होगा 20 इक्वल टू 8,000 इंटू हम लोग लिख सकते 23 डिवाइडेड बाय 20। इधर देखिए ए 1 2 3 तीन जीरो है, इधर भी 3 जीरो है, काट देंगे और 8 के साथ 2 2 2 कट जाएगा, इसलिए 2 दुगनी 4 4 दुगनी 8 ये होता है। तो अभी 23 इंटू 23 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा 1 2 1 6 7, ये होगा। इस तीनों को गुना करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये है अमाउंट। अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा। तो हम लोग जानते हैं मूलधन 8,000 रुपया, तो 12,167 से हम लोग 8,000 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा क्या, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट इक्वल टू होगा 12,167 माइनस 8,000 इक्वल टू, देखिए ये दोनों से हम लोग माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 7,614,4,167। ये क्या है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन बी, ये ऑप्शन राइट आंसर है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो दोस्तों चलिए हम लोग दूसरा इसी तरह और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, इसको भी पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या है, व्हाट वुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑक्वर ऑन द अमाउंट ऑफ ₹8,400 एट 12.5% पर एनुअल एट द एंड ऑफ 3 ईयर। इधर बोला गया 8,400 रुपया 3 साल के लिए 12.5% के हिसाब से हम लोग देंगे तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा वो निकालने के लिए बोला। ये क्वेश्चन दोस्तों
बैंक बी 2010 में पूछा गया था, और इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग को निकलना ही निकालने के बाद बोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, पहले की तरह अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर एन, इसका मतलब टाइम, टाइम कितना लग रहा है वो बोला। तो चलिए हम लोग मूलधन जानते हैं कितना, 8,400, ये है मूलधन, प्लस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर, यार कितना है, 3 टू द पावर 3। तो देखिए हम लोग इधर से पॉइंट को उठा देंगे तो क्या होता है, पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा नीचे, 1 के बाद उतना 0 लगाकर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो गया है 125 इधर 100 × 10। तो चलिए दोस्तों इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 से ये काटेंगे तो होगा 25, और इसको काटेंगे तो होगा 2। तो देखिए 25 से 100 को काटेंगे तो होगा 4। तो इसमें क्या होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो इधर लिखेंगे 8400 इंटू 8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होता है, उसके बाद 1 से जोड़ेंगे, 1 से जोड़ेंगे तो कितना होता है, 9, 9 अपन 8 टू द पावर 3 इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते 8400 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, इसलिए इधर पावर क्यूब में है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको देखते कितना होता है, ये देखिए इस ये 2 से कट जाएगा, ये 4 से 4 से कटेगा तो इधर 2 होगा, इधर होगा 2 1 0, ये 4 से कटने के बाद, फिर देखिए ये भी 4 से कटेगा तो होगा 2, और ये कटेगा तो होगा 5, 2 5, इतना होगा। तो देखिए इसके ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे 8 के साथ 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या आता है देखते हैं। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा, ये होगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 32, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1196.156 है, इसको हम लोग 16 ही लिख सकते हैं, लगभग 16 होता है। तो अब निकालना है, क्या निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये निकालना है। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकला हम लोग का अमाउंट, ये निकला क्या है अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मूलधन और ब्याज जोड़कर होता है अमाउंट। तो हम लोग अमाउंट से, अमाउंट जितना निकला उसमें से अमाउंट है 1196.16, इसमें से हम लोग मूलधन को घटाएंगे 8400, इसको घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होता है, वो है चक्रवृद्धि सूद, जितना है चक्रवृद्धि सूद उसका वैल्यू, उसका
तो इसको माइनस कर लेते, 1 6, उसके बाद होगा 6, उसके बाद 0 होगा, 6 नहीं होगा, 0 से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, और इधर होगा 6, और इधर होगा 5, और इधर होगा 3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, क्या है 3560.16। ये हो गया हम लोग का आंसर, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू ये हो गया 3560.16, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन में कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन ऑप्शन बी में है 3560.16, ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, और सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तरह तरह का शॉर्टकट ट्रिक्स और ट्रिप लेकर आता रहता हूँ, वो ट्रिप्स आप लोग को सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।